हमारा प्लेट अच्छे से रेडी हो गया, हमारे पूरे तरीके से अच्छे से दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप। देखिए आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे दही बड़ा, और बहुत ही आसान तरीका है बनाने में और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए दही बड़ा के लिए हमने भिगा लिया था मूंग का दाल, जो हमारा एक पाव है, 3 से 4 घंटा पहले हमने भिगोया था इसको। और 3 हमारा हरी मिर्च है, 4 कलियां हमारा अदरक है, अब इसे हमें पीसना है। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, अगर सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। देखिए हमारा दही है, करीबन 1 किलो दही है ये हमारा, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे नमक, और डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च। देखिए हमारा भुजा हुआ जीरा है, और इसको हम ऐसे हल्के से मसल लेंगे ऐसे, इस तरीके से। इसे भी हमें ऐसे करके डाल देना है। और इसे अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमारा अच्छे से मिल गया है, और दही में भुना हुआ जीरा अवश्य डालें, क्योंकि जीरा से स्वाद बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसको हम ढक के रख देंगे। देखिए हमारा दाल अच्छे से पीस के रेडी हो गया है, देखिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च, और अपने स्वाद अनुसार नमक डालने। बहुत थोड़ा सा मिर्च, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया का पत्ती। इसको इस तरह से ऐसे ऐसे हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमारा अच्छे से फेंट के रेडी हो गया है। अब देखते हैं कि पानी में डालेंगे, अगर जो हमारा ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि मतलब अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए हमारा, देखिए कितने अच्छे से पानी में टहल रहा है। देखिए थोड़ा सा और तेल डालेंगे हम, तेल को गरम होने देंगे 2 मिनट तक। हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया, अब इसमें हम डालेंगे चार, हमने डाल लिया है,
और इसे आराम आराम से हमें इसे चला देना है और पलट देना है ऐसे इस तरीके से। देखिए हमने सारा पलट लिया है, ऐसे मीडियम सेक में आराम आराम से पकने देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छे से फूल रहा है। देखिए कितना अच्छे से सुनहरा कलर हमारा हो गया है। अब इसे हम निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा से बना है हमारा, कितना अच्छे से पक गया है, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए कितना अच्छे से फूला है। देखिए हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए तो फिर से डाल देते हैं। देखिए हमने ऐसे करके चार फिर से डाल लिया है और ऐसे ऐसे करके बीच बीच में हमें चलाते रहना है। देखिए ये भी हमारा बनके रेडी हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा से फूला है ये। देखिए हमारा अच्छे से हो गया है और ठंडा भी हो गया है। देखिए इस तरीके से अब इसको हम दही में डालेंगे। पहले दही को चला लेंगे अच्छे से, फिर इसमें डालेंगे। देखिए अच्छे से हमारा मिल गया है और इसे हम 10 से 5 मिनट तक रख देंगे, क्योंकि अच्छे से दही हमारा और दही बड़ा मिल जाए, अच्छे से सोख ले और अंदर तक भिन जाए। चलिए तो इसको हम ढक देते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारा अच्छे से तैयार हो गया कि नहीं। देखिए कितने अच्छे से दही में मिल गया है। देखिए चलिए तो निकालते हैं। देखिए हमारा प्लेट अच्छे से रेडी हो गया और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे धनिया का पत्ती इस तरीके से, और इसमें। देखिए दोस्तों हमारा प्लेट कितने अच्छे से रेडी हो गया है और देखने में एकदम दुकान की तरह लग रहा है एकदम, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा और बनाने में बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।